नमस्कार, पल पल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि जुड़े हैं, डॉक्टर सोलंकी जी, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति, शिक्षाविद, और आज हम उनसे जानेंगे भारत सरकार द्वारा 34 वर्ष बाद लाई गई नई शिक्षा नीति पे। डॉक्टर साहब, आपका पल पल में स्वागत है। धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, ये 34 वर्षों बाद नई शिक्षा नीति की जरूरत सरकार ने समझी, इसकी क्या आवश्यकता थी और क्या इसमें मुख्य चेंज लाई गई है? पहली शिक्षा नीति और इस नई नीति में क्या मुख्य परिवर्तन सरकार द्वारा किया गया? मैं यहाँ से आरंभ करता हूँ कि देश 1947 में आजाद हुआ था और पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, तो 47 से 20-21 साल लग गए पहली बार सरकार को यह सोचने के लिए कि शिक्षा में किस तरह के बदलाव की और किस तरह की व्यवस्था की आवश्यकता है। 68 के बाद 86 में एक बार फिर दोबारा सोचा गया कि शिक्षा नीति किस तरह से होनी चाहिए, और ये तीसरी शिक्षा नीति है जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 या 2020 कुछ भी कह सकते हैं। 2020 में कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है और 2019 में सरकार के पास ये सबमिट हो गई थी। तो मैं तो एक तो अपने आप को इसीलिए सौभाग्यशाली मानता हूं कि कम से कम 34 वर्षों के बाद सरकार ने सोचा तो सही कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है और उसका भी कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट, उसका नीति जो है उसकी होनी चाहिए, और सरकार ने 34 साल के बाद इसमें ये शिक्षा नीति रखी है। तो एक तो ये है कि आप जो कह रहे हैं कि कैसा परिवर्तन है इन दोनों में, मुख्य दोनों पिछली जो शिक्षा नीति थी उनमें एक शब्द का इस्तेमाल होता था, रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं शिक्षा में। ऐसा 1968 की पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी है और 1986 के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में। इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये शब्द नहीं है, इन्होंने उसकी जगह एक ट्रांसफॉर्मेटिव, परिवर्तनशील और अच्छा बनाने की, क्या हो सकता है सिस्टम को पूरे को ट्रांसफॉर्म करना, इन्होंने ये कहा है इस तरह से। मैं यहां से शुरू करता हूं। हाँ जी। दूसरी शुरुआत एक बहुत अच्छी है जो 86 में सरकार ने अपनी मिनिस्ट्री का नाम ही बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ HRD कर दिया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। हाँ जी। उसको पुनः इस शिक्षा नीति ने घोषित किया कि ये मंत्रालय जो है शिक्षा मंत्रालय माना जाएगा। तो पहली इस पॉलिसी की एक बेसिक अंदर की सोच है कि भाई मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बदलने की क्या आवश्यकता थी। हाँ जी। तो उसमें इनका मानना यह है, और जो बिल्कुल ठीक है, कि मनुष्य जिसके लिए शिक्षा है वो साधन नहीं है, तो साधन के तौर पर, टूल के तौर पर उसको नहीं देखा जाना चाहिए एजुकेशन पॉलिसी में। मनुष्य तो, ह्यूमन बीइंग तो साध्य है, वो तो अल्टीमेट गोल है जिसके लिए पॉलिसी बन रही है। तो वो एक बड़ी सोच है, और ये सोच ये साबित करती है कि शिक्षा केवल करियर के लिए नहीं है, शिक्षा करियर के साथ साथ जीवन को जीने के लिए भी है, वो भी सीखना है। तो एक व्यापकता देने की कोशिश इसमें हुई है, बाकी अनेकों परिवर्तन है। मैं आपको उन परिवर्तनों से पहले कुछ चीजों पे, कुछ बिंदुओं पे इसका ध्यान लाना चाहूंगा। एक सबसे बड़ी बात ये कही गई थी भी GDP का 6% जो है वो शिक्षा पे जब तक खर्च नहीं किया जाएगा, जो इस शिक्षा नीति में परिवर्तन चाहे गए हैं उन परिवर्तनों को लागू करने में ग्राउंड रियलिटी में कठिनाई आएगी। ये इसमें कितना मिथ्य है कितना सच है, क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रहे हैं, शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा है सुरेंद्र भाटिया जी। हाँ जी, हाँ जी। ये मैं 40 साल से तो टीचर हूँ। बिल्कुल जी। और 5-6 साल यूनिवर्सिटी में लगाए हैं, 3 साल ग्रेजुएशन में, 2 साल PG में, इस तरह से PG करते करते दिल्ली स्कूल इकोनॉमिक्स से यहाँ तक पहुंच गए। इन 40 सालों के और पुराने एक्सपीरियंस में, और मैं टीचर एक्टिविस्ट भी रहा हूँ। हाँ जी। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल का और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्ट का मेंबर रहा हूँ, लंबे समय तक वहाँ प्रिंसिपल रहा हूँ। एक मांग वहां लगातार चलती आती है दिल्ली में, यहाँ कुछ छोटी मांगे चलती हैं, दिल्ली में थोड़ा बड़ी चलती हैं, और ये मांग पिछले 30-35 साल से है कि जब तक शिक्षा पर GDP का 6% जो है खर्च नहीं होगा,
तब तक शिक्षा में आमूल चूर परिवर्तन और सुधार नहीं हो सकते। तो ऐसी डिमांड हमने एज टीचर एक्टिविस्ट भी रखी है अनेकों बार, सरकारों ने बहुत बार एसोसिएशंस दिए हैं कि भाई इसको हम 6% तक ले जाएंगे, धीरे धीरे सरकार ने इसको बढ़ाया भी है, 1.5-2% से लेकर 3.5-4% तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इस शिक्षा नीति में ये बात कही गई है क्योंकि ये शिक्षा नीति क्वालिटी को फोकस करना चाहती है, गुणवत्ता को फोकस करना चाहती है, और गुणवत्ता के लिए इन्होंने ये एंश्योर करना चाहा है कि भी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी भी बेहतर हो, हमारे टीचर की क्वालिटी भी बेहतर हो, और हमारे जो टीचिंग प्रोसेसेज हैं जैसे डिजिटाइजेशन है और हैं, इन सब की क्वालिटी बेटर हो, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और शायद जीडीपी का 6% तक जाने की बात है। अभी ये कब तक कर पाएंगे उसको प्रॉमिस इन्होंने किया है कि हम करेंगे इसको, लेकिन जितनी जल्दी ये होगा शिक्षा की गुणवत्ता और जो विद्यार्थी है जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है वो अच्छा बने उसके लिए ये आवश्यक है। एक चीज और है, ये छोटी क्लासों से सेमेस्टर सिस्टम नई शिक्षा नीति में है। सेमेस्टर सिस्टम की एक दिक्कत है, अभी अगर साल में आप दो बार परीक्षाएं कराते हैं और हमारे देश का जैसा एनवायरनमेंट है, 2 महीने की लगभग हमारी समर वेकेशन और विंटर वेकेशन हो जाती है स्कूलों में, बाकी बचे 10 महीने, और एक सेमेस्टर के परीक्षा में अगर 1 महीने का समय लग जाए तो आपके पास एजुकेशन के लिए बहुत कम समय बचता है, और हमारे सिलेबस बहुत ज़्यादा हैं, छोटे बच्चों पे बस्ते का जो बोझ है वो बातें उठती आई हैं, तो इस बारे में आपका क्या सुझाव रहेगा सरकार को, अगर सेमेस्टर सिस्टम को छोटे बच्चों में लाना है, बस्ते का बोझ कम करना है, सिलेबस को कम करना है, कैसे होगा? ऐसा है, कुल मिलाकर जो ये व्यवस्था है सेमेस्टर सिस्टम की, इस व्यवस्था में एक चीज़ और डालने की कोशिश की है इन्होंने, कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। उसका मतलब ये है कि 1 महीने तक एग्जाम नहीं चलाना है, ऐसा कोई ना कोई व्यवस्था स्थापित करनी है कि बच्चे का हर सप्ताह अपने आप ऑटोमेटिकली इवेल्युएशन होता चला जाए। तो कंटिन्यूअस जो असेसमेंट का प्रोसेस है अगर वो ठीक से लागू हो जाए, तो जिस बात का आपको डर लगता है कि भाई महीनों उसी चीज में खराब हो जाते हैं, उसमें बचत होगी। तो छोटी क्लासेज में तो वो इन्होंने पिछले शिक्षा नीति से पहले ही आरंभ कर दिया था इसको करना, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिक्कत उसमें होने वाली है। एक दिन पूरा बोझ डालना बालक पर, पूरे साल पढ़ाकर 4 दिन में सब कुछ बता दो और उसके बेसिस पर आपको हम एसेस करेंगे, उससे बेहतर ये है कि उसका कंटिन्यू। जो बात आपने कही जी, क्या इसमें नई पॉलिसी में ये चेंज है भी उसके सेमेस्टर सिस्टम के पेपर नहीं होंगे और उसकी वैल्यूएशन क्लास की जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब पे उसको मार्क दिए जाएंगे? इस पॉलिसी में ऐसा है, सेमेस्टर सिस्टम है, इस पॉलिसी में ये भी है कि कंटिन्यूअस असेसमेंट होगा और सेमेस्टर सिस्टम में रिफॉर्म पॉलिसी का हिस्सा है वो ये है कि ये 1 महीने के एग्जाम की बजाय ये एग्जाम 1 सप्ताह में सिमट जाएंगे। तो जब ये 1 सप्ताह में सिमट जाएंगे, क्योंकि 50% से ज्यादा इवेल्युएशन बच्चे का पहले हो चुका होगा, ज्यादातर सिलेबस का एग्जाम भी पहले हो चुका होगा, उसका एक पोर्शन, एक यूनिट, 2 यूनिट बची होंगी जिसका उसको एग्जाम देना है, तो यहाँ टाइम की सेविंग होगी और ये जो प्रोसेस है इवेल्युएशन का, जिसको हम एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स भी कहते आए हैं, ये प्रोसेस इवेल्युएशन का उससे बेहतर है कि आप 1 महीना एग्जाम ले लो और 1 साल तक उससे बात नहीं करो, सिर्फ पढ़ाते ही रहो, उससे उसी बेटर है। एक सर जो मेरा ये मानना है, मेरा जो व्यक्तिगत रूप में मानना है, इवन की मेकाले की शिक्षा को हम लेके चल रहे थे और पीछे जो भी 68 और 86 में जो भी शिक्षा नीति बनी थी उसमें ज्यादा चेंज नहीं था, हम क्लर्क ही पैदा कर रहे थे ज्यादा, लेकिन इसमें 6ठी क्लास से शायद, जो जहाँ तक मैंने मेरी जानकारी है, जो 10+2 के बाद टेक्निकल कोर्सेज में जाते थे, अब शायद बच्चा 6ठी क्लास के बाद कोर्सेज में जा पाएगा, वो इंटर्नशिप में जा पाएगा, क्या ऐसा कुछ है इसमें? इसमें ऐसा है ना कि पैटर्न को इस तरह से करा है, एक तो इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग डाल दी, 3 साल से 5 साल के बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाना है और वो खेल खेल में सिखाना है, ये शिक्षा नीति में पहली बार आया है, और इसका डालने का लाभ ये होगा कि जो अभी तक आंगनवाड़ी में बच्चा केवल खाना खाने के लिए जाता था और उसको सिखाने वाला कोई नहीं था, वहां पर शिक्षक होगा और वो शिक्षक या शिक्षिका जो भी है वो उसको एक्टिविटी के बेस पर लर्निंग के लिए उसको बूस्ट करेगी।
तो जो गैप पैदा हो रहा था शहर के बच्चों में और गांव के बच्चों में, प्ले स्कूल, हाँ प्ले स्कूल का कंसेप्ट आने से वो गैप कम होगा, एक तो ये परिवर्तन है उसमें। इसके बाद आगे की शिक्षा को इन्होंने इस तरह से डिवाइड कर दिया है कि 5+3+3+4, पांचवी क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद आठवीं क्लास महत्वपूर्ण है, 9th और 10th और 11th तीन साल स्पेशलाइजेशन की क्लास है, और फिर ये 4 साल के ग्रेजुएशन की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो इसमें क्या है कि जो बीच में जो क्लासेज हैं उसमें 5th के बाद ही ऑप्शन है, आप वोकेशनल एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप टेक्निकल एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप थोड़ा किस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो यहीं से क्लियर होता चला जाएगा। अगर वोकेशनल माने जाना चाहता है तो वोकेशनल की लाइन अलग हो जाएगी और आठवीं के बाद वो एक अलग लाइन में चला जाएगा, अन्यथा आठवीं के बाद वो, जैसे अभी तक ये था कि साइंस आर्ट्स और कॉमर्स के 3 स्ट्रीम में डिवाइड हो जाता था, अब इन्होंने एक कोशिश की चेंज कर सकते हैं, जो वो बहुत शानदार कोशिश की है इन्होंने, सब चीजों को इंटरडिसिप्लिनरी करके मिक्सिंग करके, जैसे मेडिकल साइंस में या डॉक्टर बनने के लिए भी कोई स्टूडेंट जा रहा है तो वो अपना मेजर सब्जेक्ट तो मेडिकल साइंस के रख सकता है, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स रख सकता है, माइनर सब्जेक्ट के तौर पर वो ज्योग्राफी पढ़ सकता है, वो म्यूजिक पढ़ सकता है, वो लिटरेचर पढ़ सकता है। तो इस तरह से क्या है कि जब हम इस तरह की ऑप्शन दे रहे हैं तो हमने क्या किया, डिसिप्लिन को मिक्स करने की कोशिश की हमने, ऐसे भी कुछ इस पॉलिसी में एक कोशिश और हो रही है कि यूनिवर्सिटी और स्कूल को भी कहीं ना कहीं एक बार इंटरेक्ट कहीं करने की जरूरत है, और यूनिवर्सिटीज को यह देखने की जरूरत है कि वो स्टूडेंट जो आ रहा है वो स्टूडेंट में किस स्कूल में किस तरह का स्टूडेंट था। तो जो ये ब्लेंडिंग हो रही है एजुकेशन की, इस ब्लेंडिंग का लाभ ये होने जा रहा है कि बच्चे का करियर तो बनेगा ही बनेगा, बच्चा अपने इंटरेस्ट को भी परस्यू कर पाएगा, उसका लाइफ का सेटिस्फेक्शन लेवल भी ज्यादा रहेगा और उसका विकास भी समग्रता से होगा। इसमें शायद सरकार ने जो भी पॉलिसी आपके शिक्षाविदों ने बनाई है, एक व्यक्ति अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है और गलती से वो साइंस में चला गया तो वो चेंज नहीं कर पाता था, और इसमें शायद वो चेंज कर पाएगा। एक बात ये बड़ी अच्छी है। दूसरी सर, इसमें ये जो डिप्लोमा सिस्टम किया है, पहले एक व्यक्ति किन्हीं परिस्थितियों में ग्रेजुएशन की 3 क्लासें या 4 क्लासें नहीं कर पाता था तो उसे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, तो ये क्या सिस्टम होगा, कौन सी क्लास में डिप्लोमा मिलेगा, कौन सी क्लास में सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा, ये थोड़ा सा हमारा ऐसा है कि शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि एंट्री और एग्जिट बहुत आसान कर दिए, आप कभी भी एंटर कर सकते हैं और कभी भी बाहर निकल सकते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी भी इसकी, लोचता भी इसका दूसरा महत्वपूर्ण गुण है इसका पॉलिसी का। तो एग्जिट का तरीका तो यह है कि जितना आपने पढ़ा, मान लीजिए आप बीए के स्टूडेंट हैं और सेकंड ईयर में हैं और आपको लगता है कि अब वो आप नहीं पढ़ पा रहे, आपके हालात, घर के हालात ऐसे हो गए, या कहीं जाना पड़ गया, या जॉब करनी पड़ गई, या जो भी है, बीमार हो गए, कुछ हो गए, शादी होगी, कुछ हो गया, 5 साल बाद मन किया कि मेरे को, मैंने सेकंड ईयर तो कर रखा है, मैं अगर 1 साल 2 साल और कर दूं तो मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी कर सकता हूं या कर सकती हूं, आपको उस, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट होगा सेकंड ईयर पास का, अगर सेकंड ईयर पास किया है तो फर्स्ट ईयर किया है तो फर्स्ट ईयर पास का, आप उस सर्टिफिकेट के बेस पर उस क्रेडिट को फर्स्ट ईयर की को लेकर सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो बच्चे को 5 या 10 साल बाद भी, मान लीजिए बेटी की शादी होगी और 10 साल बाद बच्चे होने के बाद उसने सोचा अब मैं एमए करती हूं, फर्स्ट ईयर तो मैंने कर लिया था, अब वो सेकंड ईयर कर सकती है। तो ये जो एंट्री और एग्जिट है ये बहुत आसान किया है इन्होंने, तो इसका लाभ होने जा रहा है। एक तो ये कि क्योंकि एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, अभी तक नहीं लेकिन मुझे उम्मीद है इस सर्टिफिकेट की अहमियत होने वाली है, जॉब्स में भी होने वाली है। बिल्कुल, अगर 12वीं के बच्चे को पीएन की भर्ती के लिए अप्लाई करना होगा तो अगर जिसने फर्स्ट ईयर कर रखा होगा हो सकता है वो दफ्तरी के लिए एलिजिबल हो जाए, इस तरह की कंडीशन आने वाली है। दो चीजें और लास्ट में ना जी, दो चीजें, एक तो जो अपनी मातृभाषा में एक व्यक्ति तेलुगु में पढ़ रहा है और वो उसके पेरेंट्स की ट्रांसफर नॉर्थ इंडिया में हो जाती है, तो वो अगर बच्चा छोटा है तो वो कैसे अपनी मातृभाषा में पढ़ पाएगा, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, जो हमारी 4 नीचे लैंग्वेज हैं,
मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल। जी जी। खास तौर पे वो हमारे ऊपर वाली जो जितनी भी लैंग्वेज हैं वो तो गुजराती से लेके कश्मीरी डोगरी तक मिलती जुलती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन उसमें बहुत मूल अंतर है। तो ये समस्याएं पैदा नहीं होंगी? ऐसा है कि जब आपको अपने भाषा को कहीं ना कहीं उसको बचा के रखना है, और भाषा से क्योंकि संस्कृति जुड़ी होती है तो संस्कृति को बचा के रखना है, तो और फिर बच्चे को, छोटे बच्चे को ये ऑप्शन देनी है कि उसकी समझ पैदा होनी चाहिए। अभी उसको हम लिटरेचर लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहे हैं, तो अगर जिस भाषा में माँ बोलती है उसी भाषा में उसको पहली, दूसरी, पांचवीं तक की पढ़ाई करा दी जाएगी तो उसकी समझ ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से विकसित होगी, चाहे मैथमेटिक्स की समझ हो, चाहे रीजनिंग की समझ हो, चाहे लॉजिक्स की समझ हो। तो ये लाभ इसका होने जा रहा है, जो जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि यदि ऐसा बच्चा नॉर्थ की कहीं किसी स्टेट में ट्रांसफर हो जाता है, अपने को पूरे देश को देखना है कि किसी नीति का, किसी पॉलिसी का लाभ कितना है और उसके कारण से कठिनाई कितनी पैदा हो सकती है। तो कठिनाई कम पैदा होंगी, ऐसी कठिनाइयां होंगी उनको मेरे ख्याल में ये पॉलिसी एड्रेस करेगी। शायद पहली नीतियों में भी तीन लैंग्वेज का जी था, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? तीन लैंग्वेज पहले भी थी, एक पंजाबी, मान लिया पंजाब का बच्चा, एक पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी। हरियाणा में तो तीसरी लैंग्वेज है नहीं, हरियाणवी अलग भाषा नहीं है? नहीं, अभी भी वही है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है। और जब वो, जैसे बच्चा मान लीजिए पंजाब में आ जाता है, तो उसके पास ये ऑप्शन तो है कि वो हिंदी में अपना पढ़ाई शुरू कर सकता है, उसको ऐसा नहीं है कि उसको पंजाबी में ही पढ़ना पड़ेगा, इतनी ऑप्शन उसको अभी भी है। और थ्री लैंग्वेज का फॉर्मूला मतलब इसमें बहुत ऐसा बदलाव नहीं हुआ है, केवल यही हुआ है कि बालक को, 2 साल 3 साल के बालक को, क्योंकि अब स्कूल में जाना है तो माँ की भाषा में ही, जो उसकी मातृभूमि है उसी भाषा में सिखाना आसान होगा, इसलिए इस तरह का बदलाव है। सर एक अंत में सवाल, क्योंकि आप एक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, नीचे से अगर हमारी स्कूलिंग ठीक नहीं होगी तो विश्वविद्यालय में बच्चा स्टफ कैसा पहुंचेगा? और हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में मेरा ये मानना है अगर 14,000 विद्यालय हैं तो उनमें से 50% विद्यालय में बेसिक चीज़ें नहीं हैं, कहीं चारदीवारी नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, और वहाँ कंप्यूटर जरूर पहुँचा दिए जाते हैं। आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं बेसिक रूप से, तो दिल्ली में स्कूलों में क्या चेंज लाए हैं? भी स्कूल को एक यूनिट बनाया और उस स्कूल में मूलभूत क्या चेंज आया? किसी स्कूल में आपने विजिट किया और हमारे में कैसे उसको सुधारा जा सकता है? राजनीति से ऊपर उठ के हमने लेना देना, हमारे स्कूल अच्छे होने चाहिए चाहे कोई भी हो। मैं केवल यही मानता हूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यदि दे भी दिया जाए, अगर मेंटेन नहीं हो तो वो साल दो साल के बाद यूजलेस हो जाता है, उसका इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूल में होने वाला जो शिक्षक है और स्कूल के मुख्य अध्यापक हैं या प्रिंसिपल हैं, उनके कमिटमेंट को बढ़ाने की, उनके इनिशिएटिव को बढ़ाने की और उनमें इनोवेटिवनेस डालने की ज्यादा आवश्यकता है। तो मेरे ख्याल में ये टीचर और प्रिंसिपल्स का लीडरशिप क्वालिटीज को और समाज के प्रति कमिटमेंट बढ़ाने की तरफ ज्यादा काम होना चाहिए। चार दीवारी अगर टूटी है तो अगर उनका कमिटमेंट होगा तो या तो सरकार पैसा देगी और दे देगी। ऐसे स्कूल है हरियाणा में भी, मैंने एक दो स्कूल विजिट किए हैं, कुरुक्षेत्र के आसपास एक स्कूल है सरकारी, देख कर मैं हैरान रह गया, सरकारी स्कूल ऐसे हैं। जब आप करने लगेंगे वैसा तो सरकार की नजर, अफसरों की नजर आपकी तरफ जाएगी, बिल्कुल आपको मिलेगा। तो मुख्य बात यह है कि हमें अपने शिक्षक का और अपने प्रिंसिपल का, उनका कमिटमेंट बढ़ाना है और शिक्षक की गुणवत्ता बढ़ानी है, ट्रेनिंग से बढ़ाएं या रिक्रूटमेंट के टाइम ये इंश्योर करें कि हम बेहतर से बेहतर शिक्षक को रिक्रूट करें। एक चीज और अंत में, जैसे आपने कुरुक्षेत्र का उल्लेख किया, सिरसा के 334 गांव में 100 गांव में ऐसे स्कूल हैं जो देखने योग्य हैं, बहुत बढ़िया, लोगों ने जहां कमिटमेंट, पंचायत की कमिटमेंट है, जहां प्रिंसिपल की कमिटमेंट है, वहां बढ़िया। मैं एक अंतर देखता हूँ, प्राइवेट स्कूल का टीचर 10,000 की सैलरी में बहुत अच्छा काम करता है और 90,000 रुपए लेने वाला सरकारी टीचर उसके मुकाबले में सारे एक जैसे नहीं है। आज शिक्षक दिवस पे
हम इसके अंत में शिक्षा नीति पे इन दोनों की कमिटमेंट में जो अंतर है उसको कैसे मिटाया जाए? ऐसा है कि अपना जो सरकारी व्यवस्था में जो शिक्षक है, कर्मचारी है, अनेकों साल में पीछे, अनेक साल से, और इसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है, आपको राजनीतिक नहीं है ये बिल्कुल भी, कि अनेकों साल से हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो इस तरह की रही है कि शिक्षक को लगभग फ्री छोड़ दिया और सरकारी कर्मचारी को लगभग फ्री छोड़ दिया। तो जब सरकारी कर्मचारी फ्री हो गया तो शिक्षक को भी वैसा लगने लगा यार कुछ करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे उसका कमिटमेंट कम हो गया। तो दोबारा से री एनर्जाइज हम उन सारी चीजों को करें, और पब्लिक स्कूल का सरकारी स्कूल के शिक्षक का कोई मुकाबला नहीं है, ये ज्यादा कंपिटेंट क्वालिफाइड शिक्षक है, कमी है तो केवल कमिटमेंट की है। उस कमिटमेंट को बातचीत से, मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से, ट्रेनिंग से बढ़ाया जा सकता है, उसको बढ़ाया जाने की जरूरत है। एक आध स्कूल को मॉडल के तौर पर तुरंत अगर कोई प्रिंसिपल या लेना चाहे तो मेरे ख्याल में सरकार उसका साथ देती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा साथ देता है उसका। तो दोस्तों ये थे चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सोलंकी जी, जिन्होंने ना केवल शिक्षा नीति बल्कि अध्यापक की कमिटमेंट पे अधिक बात की। और ये मेरा मानना भी है अगर किसी एक अध्यापक की कमिटमेंट अधिक होगी तो वो सारे एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है। तो आज शिक्षक दिवस पे, नई शिक्षा नीति पे हम सभी से ये आग्रह करेंगे कि वे अपनी कमिटमेंट के साथ बच्चों के भविष्य को बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।